अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर इमन परवेज़। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है डिसएडवांटेजेस ऑफ टी, यानी चाय पीने के नुकसानात। नॉर्मली आपने चाय पीने के फ़ायदों के बारे में तो बहुत सुना हुआ होगा, लेकिन आज हम इसके नुकसानात पे फोकस करेंगे। सो इस एतबार से वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो अगर हम चाय की बात करें तो यूजली ये पाकिस्तान में यूज़ होने वाली बहुत ही एक कॉमन हॉट ड्रिंक है। और यूजली चाय जो है बहुत सारी इकसाम की होती हैं, लेकिन नॉर्मली जो चाय इस्तेमाल होती हैं वो ग्रीन और ब्लैक टी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है कॉमनली। और यूजली हम जो आज बात करेंगे वो नॉर्मल जो चाय होती है, जो कि हम घर में यूज़ करते हैं, जो कि ब्लैक टी लीव्स से बन रही होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। चाय के आपने बहुत सारे फ़वाद सुने होंगे, जो कि बहुत हद तक ठीक हैं, कि ये मेंटल अलर्टनेस करती है, ये हार्ट के कुछ मसाइल के लिए अच्छी होती है, और उसके अलावा कुछ तरह के कैंसर्स के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है। तो ये इसके काफ़ी सारे फ़ायदे ज़रूर होते हैं। उसके अलावा ये है कि एक इंटरनेशनल इदारा है FDA के नाम से, जिसने जो है हमें एक लिमिट बताई हुई है, जो हमें उतने अमाउंट में जो है वो कैफ़ीन कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि चाय के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो कैफ़ीन होता है। तो यूजली जो FDA के मुताबिक हमें जो है वो 400 mg से ज़्यादा कैफ़ीन डेली नहीं लेनी होती, जो कि रफली जो है 3 से 4 कप्स आपके बन जाते हैं। और नॉर्मली जो चाय होती है उसके अंदर कैफ़ीन के साथ साथ जो है कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे कि पॉलीफिनोल्स और फ्लेवोनॉल्स, जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं चाय के डिसएडवांटेजेस के बारे में, यानी चाय ज़्यादा पीने के क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा चाय कंज्यूम करता है तो उसके अंदर जो पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद आयरन के साथ बाइंड होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी एब्जॉर्प्शन पे असरअंदाज हो सकते हैं। तो अगर किसी को पहले से ही आयरन की डेफिशिएंसी हो तो उसके लिए फिर ये जो है नुकसानदेह हो सकती है। उसके अलावा जो सेकंड एक चीज़ है वो ये है कि चाय के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से जो है वो फ्लोराइड की क्वांटिटी भी आपके जिस्म में बढ़ सकती है, जिसकी वजह से जो है आपके बोन्स और आपके टीथ वगैरह जो हैं उन पे बुरा असर पड़ सकता है। वैसे तो फ्लोराइड जो होता है वो दांतों के लिए और हड्डियों के लिए अच्छा होता है, लेकिन एक एक्सेसिव क्वांटिटी अगर बॉडी में हो तो वो फिर नुकसानदेह हो जाती है और टॉक्सिसिटी हो सकती है उससे। उसके अलावा ये है कि अगर आपको ये पता होगा, जब जो लोग चाय पीते हैं उनकी टीथ बहुत ज़्यादा जो है वो और स्टेन्स पड़ जाते हैं उसके ऊपर, तो उसका रीज़न ये होता है कि जो इसके अंदर पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, टैनिंस जो होते हैं, वो कलरिंग एजेंट भी होते हैं, तो वो जो है आपकी काफ़ी हद तक जो है आपके पूरे स्टेन कर देते हैं टीथ के ऊपर, यानी दांतों को पूरा जो है उस पर कलर आ जाता है और येलोइश हो जाते हैं, और आपके टंग वगैरह पर भी कलर आ जाता है। तो ये एक उसका नुकसान होता है, जो कि कॉस्मेटिकली जो है काफ़ी प्लेजेंट नहीं होता। उसके अलावा जो है इसकी इस्तेमाल से, जो कि आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो रेस्टलेसनेस होती है, बेचैनी की फीलिंग शुरू हो जाती है अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टी लेता है, एन्जाइटी हो जाती है, नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो सकता है, और कुछ लोगों की जो है वो हार्ट रेट वो इंक्रीज़ हो सकती है एक्सेसिव टी के इस्तेमाल से। और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं वो अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटीज़ में चाय का इस्तेमाल करें तो बेबी पे भी बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। और जो फीडिंग मदर्स, नर्सिंग मदर्स जो होती हैं, अगर वो भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में चाय का इस्तेमाल करें, चाय बहुत ज़्यादा पीती हों, तो हो सकता है कि जो बेबी है उसको डायरिया हो जाए इसकी वजह से। और उसके अलावा ये है कि जो लोग, जिन लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको भी चाय जो है वो काफ़ी कम यूज़ करनी चाहिए, बल्कि डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए इस हवाले से, क्योंकि उनके इश्यूज़ हो सकते हैं कैफ़ीन की वजह से। और जिन लोगों को ऑलरेडी इस तरीके की कोई मेडिसिंस वगैरह ले रहे होते हैं, जैसे कि CNS स्टिमुलेंट जो होते हैं नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाली, या मेंटल डिसऑर्डर्स की कोई दूसरी मेडिसिंस ले रहे होते हैं, या कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, या बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे होते हैं, तो उनको भी चाय जो है वो उसके साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और जिन लोगों को ऑलरेडी डायरिया का इशू होता है तो उनको भी जो है वो चाय अपनी जो है कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि चाय के ज़्यादा इस्तेमाल से डायरिया जो है मज़ीद बढ़ सकता है।